आज दिल्ली का आईटीओ पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है, राजघाट पानी में डूबा हुआ है, सिविल लाइन्स पानी में डूबा हुआ है, दफ्तर बंद है, स्कूल बंद है, लोगों को आना जाना बंद है, तीन तीन वाटर प्लांट बंद है, खाना पीना इसके लिए लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जानवरों को कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री और बाकी मंत्री आरोप लगा रहे, केवल ब्लेम गेम, या लेटर लिख रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं। अब ये वाला झूठा वीडियो जो आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया कि हथनी कुंड में पानी क्यों छोड़ा गया, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री को और बाकी मंत्रियों को मालूम नहीं था कि 1 लाख क्यूसेक से ऊपर होते ही पानी हथनी कुंड में छोड़ा जाएगा? ये तो राइटिंग में है ना, ये लिखित में है कि 1 लाख क्यूसेक से ऊपर होने के बाद हथनी कुंड के अलावा पानी कहीं जा ही नहीं सकता, वरना वहां तबाही हो जाएगी। और 10 जुलाई को दिल्ली के मुख्यमंत्री का बयान है मीडिया के सामने कि कोई बाढ़ नहीं आने वाली। 12 जुलाई को बोल रहे हैं बाढ़ आ गई दिल्ली में, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। तो आपको 2 दिन पहले नहीं पता था, जबकि अंबाला में पहले ही बाढ़ आ चुकी थी और उसके वीडियो सबके सामने थे। आईटीओ का बैराज के 5 गेट खुल ही नहीं रहे, आज तक भी सेना लगानी पड़ी उनको खोलने के लिए। तो आप क्या कर रहे थे? आईटीओ के बैराज के 5 गेट बंद है और दिल्ली सरकार को मालूम ही नहीं है, उसके लिए भी आप हरियाणा के ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। 2010 में और 1978 में जो बाढ़ आई थी उसमें 8 लाख क्यूसेक पानी था, और आज 3.5 लाख क्यूसेक पानी में दिल्ली डूब गई, सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच गया। सवाल यह बनता है कि यमुना की आखिरी बार डिसिल्टिंग कब की गई थी, नालों की सफाई कब की गई थी? क्या इस साल नालों की सफाई हुई है? दिल्ली में इस साल किसी नाले की सफाई नहीं हुई, सीवरों की सफाई नहीं हुई, जो बाढ़ से पहले, बारिश से पहले करनी आवश्यक थी। आपने जाम करके रखे थे दिल्ली के नाले और नदी का चैनल, जिसकी डिसिल्टिंग नहीं हुई, इसके कारण केवल 3.5 लाख क्यूसेक पानी में दिल्ली डूब गई, और लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और आप केवल ब्लेम कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की घटिया राजनीति पर, और आपको सुनिश्चित करना चाहिए था कि आईटीओ का बैराज का गेट खुला हुआ है, इसके लिए अब आप हरियाणा या किसी के ऊपर जिम्मेदारी डालकर नहीं रह सकते। खाली ट्वीट करने से और लेटर लिखने से दिल्ली की समस्याओं का समाधान नहीं होगा, इसके प्रति आपको गंभीर होना पड़ेगा।